नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको द्विध्वनिक मात्राओं का यूज बताया। अब इसकी अगली क्लास में, पहले मैंने दायां वाला बताया, अब मैं बायां वाला बताने सॉरी पहले मैंने बायां वाला बताया, अब मैं दायां वाला बताने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में बायां वाला द्विध्वनिक मात्रा का प्रयोग बताया, अब मैं आपको दायां वाला द्विध्वनिक मात्रा चिन्ह का यूज बताऊंगी। तो आप लोग ध्यान से समझना बच्चों, पहले थोड़ा लिखें जिससे आपको क्लियर समझ में आए। दायां वाला चिन्ह, पहले स्थान में आ और इसके पश्चात आने वाले कोई भी दूसरे स्वर को सूचित करता है। आई के लिए एक विशेष संकेत पहले ही से निर्धारित किया जा चुका है, इसलिए आई के स्थान पर के स्थान पर पहले वाला ही चिन्ह काम में लाना चाहिए। जैसे
ताई। पाई। माई। नाई। ताऊ। तो आप लोग अब इनकी पहली शॉर्ट हैंड बनाएं, तो किस प्रकार बनाएंगे? बच्चों, इनका कहने का अर्थ ये है कि दायां वाला चिन्ह पहले स्थान पर आ और इसके पश्चात आने वाली कोई भी दूसरे स्वर को सूचित करता है। जैसे बच्चों, आई के लिए एक विशेष संकेत पहले ही से निर्धारित किया जा चुका है, इसलिए आई के स्थान पर पहले ही चिन्ह काम में लाना चाहिए। जैसे बच्चों, पहले हम आपको बता चुके कि आई के लिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे बच्चों आई के लिए ये हल्का डैश लाइट है, डैश लाइट डैश लाइन के ऊपर है, तो इस प्रकार लिख दिया जाता है ताई, ये हुआ। लेकिन अब द्विध्वनि का प्रयोग है, तो इस प्रकार ये अक्षर को सूचित करता है, तो इसीलिए आप दायां वाला यूज करें इस प्रकार। तो ये हो गया आपका आई, जैसे ताई, ये वाला ताई। जैसे बच्चों पाई लिखना है, तो पाई फर्स्ट प्लेस है इसका, तो फर्स्ट स्थान पर पाई, आई का ये हो गया। जैसे बच्चों माई, माई, तो आप इसे फर्स्ट प्लेस पर इस प्रकार से लगाएंगे, माई, ये आई का हो गया। जैसे बच्चों नाई, नाई, ताऊ। अब ये ताऊ का किस प्रकार से यूज करोगे आप लोग? तो आप दूसरा पॉइंट है, दूसरे, स्थान पर, स्थान पर ओ और ओ और उसके, उसके पश्चात आने वाले किसी दूसरे स्वर को सूचित करता है। जैसे कुआ, कुआ, रुआ, सुआ, दूसरे स्थान पर ओ और उसके पश्चात आने वाले किसी दूसरे स्वर को सूचित करता है। तो जैसे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा का फिर है फर्स्ट प्लेस की मात्रा, तो आप किस स्थान पर लगाएंगे? जैसे बच्चों का बनाया और ये सेकंड प्लेस की मात्रा है, तो इस प्रकार दायां वाला, इस प्रकार कुआ। अब जैसे बच्चों खोआ, तो मैंने ये बनाया, अब इसको सेकंड प्लेस पर लगाएं, तो ये खो, ओ और आ की है,
जैसे बच्चों रोआ तो इस प्रकार बनाएंगे सो आ, इस प्रकार। ये सेकंड प्लेस की मात्रा है तो इस प्रकार बनाएंगे यदि आप चाहते हैं। रोआ सोआ ना पढ़ा जाकर रोई और सोई पड़ा जाए तो आप उस शब्द को लाइन काट कर लिख सकते हैं। जैसे तीसरे स्थान पर ऊ बड़ा ऊ और उसके पश्चात आने वाले कोई दूसरे स्वर को सूचित करता है। जैसे बच्चों, जैसे ये आपका है दूसरे स्थान पर ओ और उसके पश्चात आने वाले दूसरे स्वर आते हैं। जैसे यदि आप चाहते हैं रुआ सुआ ना पढ़ा जाकर रोई और सोई पढ़ा जाए तो आप उस शब्द को लाइन से काट कर भी लिख सकते हैं। जैसे बच्चों रोई, लेकिन आप लाइन से ना भी काटें क्योंकि सेकंड स्थान मात्रा है। आप लिख ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे बच्चों सोई, इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों में आप कर सकते हैं। अब आगे तीसरे स्थान पर ऊ बड़ा ऊ और उसके पश्चात आने वाले कोई दूसरे स्वर को सूचित करता है। जैसे पुआ बुआ
सुई, रुई। अब इस प्रकार इसे आप कैसे लिखेंगे, दायां वाला यूज कैसे करेंगे, तो आप लोग देखिए। जैसे बच्चों पुआ, तो पा में ये थर्ड प्लेस की मात्रा है, फेरा है, तो इस प्रकार लगा दें। जैसे बच्चों बुआ, इस प्रकार दायां वाला चलेगा सुआ। अब ये सा है, तो ये इस प्रकार लगाएं। रुई, तो रुई को कैसे बनाएंगे आप, इस प्रकार बनाएंगे रुई। अब ये आपके हुए द्विध्वनिक मात्रा का प्रयोग। अब चलेगा त्रिध्वनिक मात्रा का प्रयोग। किस प्रकार से त्रिध्वनिक मात्रा, अब आप इसे आगे थोड़ा लिखिए। कभी 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 किसी शब्द में एक मात्रा और दो स्वर स्वर भी आते हैं, देखो त्रिध्वनिक मात्रा कहते हैं। इनके लिखने का नियम का नियम भी द्विध्वनिक मात्राओं की तरह है, पर फर्क केवल केवल इतना होता है कि द्विध्वनिक संकेत में एक डैश और लगा दिया जाता है। दो मात्राओं का होता है त्रिध्वनिक में, कभी कभी किसी शब्द में एक मात्रा और दो स्वर भी आते हैं।
इनको त्रिवधनिक मात्रा कहते हैं। इनके लिखने का नियम भी द्विवधनिक मात्राओं की तरह है। फर्क क्या है कि उसमें एक ऑल्डेस बना दिया जाता है। जैसे आप समझिए, लाइए लाइए, तो इसमें क्या है, आ की मात्रा है, ई है और ए है, तीन मात्राओं का एक साथ आना त्रिवधनिक कहते हैं। जैसे बो बाई, बो आ ई, तो इसमें क्या है, ओ है, आ है, ई, तीन मात्राओं का एक साथ आना। जैसे पियाऊ, पी आ ओ, अब है ये एक मात्रा, दो तीन, खाइए। तो आप देखिए, आ है, ई है, ए है, अब त्रिधनिक मात्रा है। अब इसे हम बनाएंगे कैसे, इसका यूज कैसे होगा। जैसे लाइए, तो लाइए में इस प्रकार, अब ला का ये आई का चिन्ह है, अब एक और ए और लग गया, तो तीन मात्राएं हैं, तो इसलिए एक और बढ़ा दिया डैश। जैसे बो आई, बो आई, तो बो का ये हो गया आई का ई, ये त्रिवधनिक एक और डैश लगा दिया, तो वो आई हो गया। जैसे पियाऊ, तो पा बनाया मैंने, और थर्ड प्लेस पर इस प्रकार से मात्राओं को पियाऊ, आ उ, इस प्रकार से लगा दिया। जैसे बच्चों खाइए, तो आइए किस प्रकार बनाएंगे, खा बनाया मैंने, खा ई ए, तो त्रिवधनिक मात्रा का प्रयोग होता है। ये आगे चल के मात्राओं का प्रयोग कम हो जाता है, जहाँ शब्द को बन नहीं रहा हो वहाँ शब्द हम लोग चिन्ह लगाते हैं, अपने आप ही अभ्यास से शब्द आने लगते हैं। बार बार हम आगे चल के डिक्टेशन में टोकते हैं, यहाँ पर ऐसा बनाइए, यहाँ पर ऐसा बनाइए, तो सारे चिन्ह आने लगते। लेकिन आप कहें ये बार बार यूज हम कर लें, एक मिनट में 80 शब्द बोले गए, तो लिखने के अक्षर भारी पड़ते हैं, इस नियम को बार बार कौन यूज कर पाएगा। इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से, सिर्फ मेरा काम है कि मैंने आपको बताया, आपका आपको अगर यूज कर पाए तो आप यूज करें, और मेरी क्लास ये अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके बाद में मैं टा ता और का के प्रयोग बताऊंगी, शब्द को आधा करने का नियम, तो आप हमारी अगली क्लास में बने रहें, जिससे आगे नियम बता सकें और आप लोगों का एग्जाम तक कोर्स पूरा करवा सकें, कोर्स ही नहीं बल्कि स्पीड भी बनवा सकें, जिससे आप लोग एग्जाम में निकल सकें, आपकी जॉब लग सके, आप जॉब पा सकें। दैट्स ऑल।